हमारे कुर्सी पे क्या देखो, चाय वो भी बन गया, चाय का इंतजाम। देखो दोस्तों, इरफान मांग कर लाया था बकरी का मांस था भाई, मैडम मेरी दी थी जो है कि बकरी का जूस। मैंने वीडियो बनाया, पहले बोला इसका स्माइल अच्छा नहीं होता है, लालच के लिए आ गया पीने, थोड़ा सा पिया, बोला है कि नहीं पीना अच्छा नहीं लग रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों को फिर से स्वागत है। अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल वाली मैडम को छोड़ने। हाँ तो दोस्तों, 11:08 हो रहा है और वो हॉस्पिटल वाली मैडम को मैंने छोड़ दिया, तो वो बोल रही है कि आज 12 बजे ही मेरा खत्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अब देखो 11:08 तो अभी हो गया है, फिर 20 मिनट लगेगा जाने में, 20 मिनट लगेगा आने में, 40 मिनट ऐसे ही जाएगा, 10 मिनट के लिए रूम पे जाने का क्या फायदा है। तो ये हॉस्पिटल के पास में ही एक मेरे गांव वाले हैं, तो मैं सोचे चलो 1 घंटा यहीं बैठ लेते हैं। ये जियाए के हैं, जियाए के जान पहचान के हैं मेरे, तो जियाए सीमान के हैं ये मेरे गांव के, और ये इधर ही है हॉस्पिटल, तो इधर ही मैं बैठ जाता हूँ। 50 मिनट की बात है, रूम पे जाने का क्या फ़ायदा है, टाइम वेस्ट करो बस। तो देखो दोस्तों, ये है वो सब मकान, ये है अनवर चाचा के घर, ये जो जियाए का दानिश है, दानिश के चाचा का रूम ये है। देखो ये हमारे कुर्सी पे क्या देखो, चाय वो बन गया, चाय का इंतजाम। हाँ तो दोस्तों, यही है मेरे गांव के, ये जो दानिश है, मैं आप लोगों को फोटो दिखा दे रहा हूँ, जो जियाए के होंगे वो तो जानती होंगे, दानिश के रिश्तेदार हैं लोग, कोई चाचा है कोई भाई है। तो इधर ही आया हूँ मैं, तो चाय वगैरह सब बना के दिए पीने के लिए, वही पी रहा हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों, 12:15 हो रहा है, देखो ये वाला घर है जहाँ पे वो रहते हैं। अब चलो मैं जाके वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ हॉस्पिटल के बाहर। हाँ तो दोस्तों, ये हमारे गांव का जो दानिश अख्तर सैफी है, जो कि अपना कुश्ती भी लड़ते हैं और साउथ के फिल्मों में वो गुंडे का रोल करते हैं, ये उन्हीं के चाचा लोग हैं, उन्हीं के खानदान के लोग हैं, तो ये गांव के ही है। तो मैं इधर ही, देखो ये रहा हॉस्पिटल, उनका रूम इधर ही है। तो एक अपना आए हैं कुर्शेद चाचा, तो वो बुलाए थे तो मैं आया था इधर मिलने। और किस्मत से ये है कि 1 घंटा का ड्यूटी भी है, नहीं तो 1 बजे वाला भी रहता तो मैं उधर ही बैठा रहता, अपने 1 बजे ही जाता मैं ये हॉस्पिटल से मैडम को उठाकर। हाँ तो दोस्तों, आ गया मैं हॉस्पिटल के बाहर, अभी देखो मैडम को उठा कर छोड़ देता हूँ मैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, 12:36 हो रहा और वो हॉस्पिटल वाली मैडम को ला कर छोड़ दिया उसके मायके में अलबादिया में, बाकी अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। तो देख रहे हो दोस्तों, बहुत ही तेज बारिश हो रहा है, देखो तो शाम के 4:10 हो रहा है और बारिश खूब हो रहा है सऊदी में आजकल। तो दोस्तों, क्या जम के बारिश हो रहा है, बिल्कुल मस्त तरीके से। हाँ तो दोस्तों, जो कल पार्टी हुआ था रात को, तो उसमें से जो बचा था दोपहर में मुझे दी थी मैडम, देखो ये सब तरबूज है, आधा तरबूज मिल गया है, बाकी ये जितने भी खरबूज कटे थे जो बच्चे हैं वो सब मुझे दे दिए हैं, और इसके नीचे वो तरबूज कटा हुआ तरबूज है, बाकी ये खाना मिला है देख रहे हो, ऐसा 2 मिला था, तो एक मैं रूम पार्टनर को दिया हूँ और एक अपने लिए गर्म कर रहा हूँ मैं। नीचे में देखो ये
देखो ये मटन है, ये चिकन है, तो मटन चिकन है सब, मैं गरम कर रहा हूँ अभी खाने के लिए, रात को दोपहर में दी है मैडम, जो कल रात को पार्टी हुआ था, जो मैंने खाना पहुँचाया था और रूम पार्टनर को मैंने दिया था, तो वो अपना खा गए हैं, खा के अपना ड्यूटी पे चले गए, अभी मैं गरम कर रहा हूँ। देखो 8:30 हो रहा है। हाँ तो दोस्तों देखो अपना खाना गरम हो गया, और चावल से ज़्यादा ये मटन और चिकन है, देख रहे हो ये सब, ये मटन है, ये चिकन है, चिकन मटन, आज खूब मज़ा आएगा खाने में। वो मैं पेप्सी लेना भूल गया, और अभी अजान हो गया, देख रहे हो अभी सलाह हो गया, पेप्सी के साथ मज़ा आता, तो चलो ऐसे ही खा लेते हैं, बाकी ये सब फल फ्रूट तो है ही, यही पेप्सी समझ लेंगे, देख रहे हो इतना सारा है, अकेले तो खा नहीं पाऊँगा, कुछ मैं खाऊँगा, कुछ रूम पार्टनर को और कुछ अपना सलीम भाई को दूँगा, बाकी और चावल बचा है। तो देखो दोस्तों इरफान मांग कर लाया था बकरी का मांस, भाई मैडम मेरी दी थी जो है कि बकरी का जूस, मैंने वीडियो बनाया, पहले बोला इसका स्माइल अच्छा नहीं होता है, लालच के लिए आ गया पीने, थोड़ा सा पिया, बोला है कि नहीं पीना अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं नहीं पीऊंगा पीऊंगा रखो बता, फेंकना मत, भले टेस्ट नहीं मगर थोड़ा ताकत के लिए पी लेंगे। तो मैं इरफान वीडियो डाला था, मैं वीडियो पे कमेंट किया तो मिल गया मुझे, नहीं तो ये अकेले पी जाता पूरा इरफान। तो ये बकरी का छाछ है, देखो बकरी के दूध का छाछ बना हुआ है, वो इनका मैडम दी है, उस मैडम का शादी हो गया, उसी खुशी में दी है। पिया मैं ये पतीले में ले कर पिया तो बहुत ही कड़वा लग रहा है, कड़वा ना है सर, बस ये तो स्माइल है ना, वो सही नहीं होता क्योंकि भाई प्योर देसी है, केमिकल वेमिकल डाल के तो बना नहीं है, प्योर हाथ का बनाया हुआ है ये। हाँ फैक्ट्री में बनता है तो थोड़ा मीठा वगैरह डाल देते हैं, चीनी वगैरह डाल देंगे तो भी अच्छा हो जाएगा, बाकी अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, मैं पिया हूँ जीरा का, नहीं क्या बोलते बुक का जीरा भी पीस डाल दो, अभी एक नंबर का लगेगा वो, और चीज अच्छा है ये, पेट मैं जब से पिया भाई मेरा पेट वोट एकदम, अरे मैं खुद पिया हूँ काली से, पेट एकदम सही हो गया। तुम्हारा पेट है किधर? नहीं पेट ये सब है ना, किसी का ज्यादा है किसी का थोड़ा कम लेवल में। अपने सलीम भाई चाय बना रहे हैं रात के 10 बजे, ये भी एक चाय चावल रखा हूँ बनने के लिए, अभी टाइम नहीं मिलता, सुबह ड्यूटी जाना पड़ता है, इसलिए सवेरे थोड़ा बनाएंगे खाएंगे, और जो है मुर्गी मेरे भाई लाने के लिए, तो मुर्गी लेकर आ रहा है, बस ये चावल बोला चावल वो धर दो, उसके बाद मैं आता हूँ तो मुर्गी उर्गी काट के। देखो सलीम भाई कैसे मुरझा गए हैं, सुबह शाम चाय चाहिए रात भर, अभी ये चाय जा रहा है पीने। तो दोस्तों देख रहे हो पुराना वाला एसी बेच दिया अपना ये रूम पार्टनर, एक दूसरा ये एसी लाया है छोटा कंप्रेसर वाला, मुमकिन 1 किलो वाला होगा, 1.5 किलो वाला, तो अब ये वाला इसमें लगाएगा। अब भाई इसका एसी ये कुछ भी करे, बेचे खरीदे। तो देखो दोस्तों नया वाला एसी लगाया तो ये थोड़ा बाहर निकला है, ये थोड़ा बड़ा है तो ये बाहर निकला है, थोड़ा खराब लग रहा है। Oh, let me up with a bright smile on now.